जिले में हमारा संगठन चल रहा है, 3,500 तहसीलों में हमारा संगठन चल रहा है, 22,000 ब्लॉक में हमारा संगठन चल रहा है, 1.5 लाख गांवों में हमारा संगठन चल रहा है। अब हम लोगों ने निर्णय किया कि ये परिवर्तन यात्रा इस साल 2018 में 441 जिलों में चलेगी और अगले साल 556 जिलों में चलेगी, और इस तरह से ये परिवर्तन यात्रा 2024 तक 7 साल तक लगातार चलती रहेगी। ये नॉन स्टॉप 7 साल तक चलती रहेगी। हर साल में 6 महीने परिवर्तन यात्रा चलेगी और 6 महीने आंदोलन चलेगा। 6 महीने परिवर्तन यात्रा और 6 महीने आंदोलन, और इसका हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि 6 लाख गांवों तक हम अपना संगठन फैलाना चाहते हैं। यदि 6 लाख गांवों तक हमारा संगठन फैल गया जहां हमारे लोग निवास करते, तो 6 लाख गांवों में संगठन फैलाना होगा जिससे भौगोलिक नेटवर्किंग होगा, और उसके बाद में जो सोशल नेटवर्किंग है जिसके अंतर्गत ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था ने हमारे लोगों को 6,000 जाति के टुकड़ों में बांटा, तो हमारा ये दूसरा लक्ष्य है कि 6,000 जाति के लोगों को जगाना होगा और जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद शक्ति का निर्माण करना होगा, शक्ति का निर्माण करने के बाद शक्ति का संचय करना होगा, और संचयित शक्ति को उचित और समुचित समय पर उपयोग और प्रयोग करना होगा। इसके लिए ये परिवर्तन यात्रा सारे देश भर में निकाली गई है। साथियों, जब ये परिवर्तन यात्रा निकाली गई है तो निश्चित रूप से ये बताया जाना बहुत जरूरी है कि परिवर्तन यात्रा किस खास मकसद से निकाली गई है। साथियों, परिवर्तन यात्रा निकालने के पीछे बहुत खास मकसद है। उस मकसद को समझने के लिए हमें देश की परिस्थिति को जानना होगा, देश की परिस्थिति को समझना होगा। देश में आज क्या परिस्थिति है? आज लगभग 71 ईयर हो गए आजादी को हासिल करने के बाद। 71 ईयर होने के बाद में आज आप देखेंगे परिस्थिति कितना गंभीर हो गई है। जिनकी संख्या 3.5% है, ब्राह्मणों की संख्या, इन लोगों ने देश पर कब्जा कर लिया। ब्राह्मणों ने इस देश पर कब्जा कर लिया। साथियों, ब्राह्मणों ने इस देश पर कब्जा कर लिया है। ये कब्जा कैसे कर लिया है? कानून और संविधान के विरोध में जाकर कर लिया है। इन्होंने कानून और संविधान के विरोध में जाकर कब्जा कर लिया है। अगर देश में ईमानदारी से चुनाव करवाया जाए, वो ब्राह्मण ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुन सकता। 3.5% संख्या है, 3.5% संख्या से ब्राह्मण अपना ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुन सकता। जो लोग पंच नहीं चुन सकते वो गांव का सरपंच बनाने लायक नहीं है। जो इस देश का गांव का सरपंच नहीं बना सकते, उन लोगों ने देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बनवा दिया है। ब्राह्मणों ने, जिनकी संख्या 3.5% है, उन्होंने देश के पंचायत का प्रधानमंत्री बना दिया है। और इसलिए देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना दिया है, अब इसका मतलब यह है कि आज जो लोग ईमानदारी से ग्राम पंचायत में सरपंच नहीं बना सकते, बेईमानी से उन्होंने देश के पंचायत यानी संसद पर इन्होंने अपना प्रधानमंत्री थोप दिया है। ये थोपने के लिए ब्राह्मणों ने क्या किया?
थोपने के लिए देश पर प्रधानमंत्री थोपने के लिए ब्राह्मणों ने पांच पांच नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की। मैं कभी ये नहीं कहता कि अनपढ़ लोगों को पता नहीं, मैं ये कहता हूं कि देश में पांच पांच ब्राह्मणों की पार्टियां नेशनल लेवल की पार्टियां है, मगर ये जानकारी पढ़े लिखे ब्राह्मणों के पास नहीं है। पढ़े लिखे ब्राह्मण के पास, पढ़े लिखे बहुजनों के पास नहीं है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों के पास ये जानकारी नहीं है। अनपढ़ लोगों के पास तो जानकारी का सवाल ही नहीं है। पांच पांच नेशनल लेवल की पार्टियां 1885 को नेशनल कांग्रेस बनाई गई। नेशनल कांग्रेस किसने बनाई? चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की। ब्राह्मणों ने कांग्रेस की स्थापना की। ब्राह्मणों ने कांग्रेस की स्थापना की ज्योतिराव फुले जीवित थे, 1890 में उनका मृत्यु हुआ, 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस ने ज्योतिराव फुले को निमंत्रण दिया कांग्रेस में आने का। उन्होंने कहा ये ब्राह्मणों का संगठन है, मैं इसमें आने वाला नहीं हूं, रिकॉर्ड में रखा। और इस वजह से हमें पता चला कि कांग्रेस ब्राह्मणों का संगठन है। साथियों, दूसरा संगठन है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। श्रीपाद अमरो डांगे एक ओकनस्थ ब्राह्मण था, बॉम्बे में उसने बनाया। तीसरी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ईएलएस नंबूदरी बाद, नंबूदरी नाम का जाति का ब्राह्मण था, ईएलएस नंबूदरी बाद केरला का, उसने बनाया। चौथी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने बनाया। आरएसएस ने सबसे पहले जो पार्टी बनाई उसका नाम था जनसंघ। उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाली ब्राह्मण। जनसंघ को अटल बिहारी अडवाणी ने कौन जनता पार्टी में विलीन किया। जनता पार्टी में विवाद हुआ, विवाद होने के बाद जनता पार्टी में विवाद हुआ, विवाद होने के बाद अटल बिहारी अडवाणी बाहर आए और 80 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नाम की पार्टी बनाई। और भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे, कोई ब्राह्मण। पांचवी नेशनल लेवल की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, बंगाली ब्राह्मण ममता बनर्जी। पिछले साल 2017 में चुनाव आयोग ने उसके पार्टी को मान्यता दी। होगी पांच पार्टियां ब्राह्मणों की, संख्या कितनी? 3.5%। संख्या 3.5%। चुनाव आयोग चुनाव करवाने के लिए कानून बनाया, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। उस कानून में लिखा हुआ है 6% वोट, जब 3 राज्यों में किसी पार्टी को पढ़ेंगे वो पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी मानी जाएगी। मगर ब्राह्मणों की तो संख्या 3.5% है, 6% कहां से आ गया? इसका मतलब ये है कि ब्राह्मणों ने ये जो 3.5% वोट है, 3.5% वोट वाले लोगों की एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं बन सकती, मगर उन्होंने पांच पांच नेशनल लेवल की पार्टियां बनाई। वो आज पांच पांच नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है। शेड्यूल कास्ट की संख्या 18% है, उसका आज के तारीख में एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी नेशनल लेवल की, मायावती ने गवा दी है। मायावती महान है,
काशीराम जी ने नेशनल पार्टी बनाई और मायावती ने गवाई। चुनाव आयोग ने नोटिस इश्यू किया मायावती को कि आपके पार्टी का वोट परसेंटेज घट गया है, आपके पार्टी का नेशनल स्टेटस रद्द क्यों नहीं किया जाए। तो इस तरह से ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बात साथियों समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये बात समझा रहा हूं कि इस तरह से आज इस देश में पांच पांच नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है, एक भी नहीं बना सकते थे, पांच पांच बना लिया, कानून और संविधान के विरोध में जाकर बनाए। और इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया और कानून और संविधान के विरोध में जाकर ब्राह्मणों ने भारत में ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया। ब्राह्मणों ने भारत में ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया। मैं ये बात आपके सामने सबूत के साथ बताता हूं, क्योंकि मैं कोई बात बगैर सबूत के नहीं कहता। देखो 99 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो 2004 में चुनाव भाजपा चुनाव हार गई, कांग्रेस ने चुनाव जीता, फिर 2009 में चुनाव हुआ, फिर कांग्रेस ने चुनाव जीता, फिर 2014 में चुनाव हुआ, बीजेपी ने चुनाव जीता। इसका मतलब है बीजेपी चुनाव हारती है तो कांग्रेस चुनाव जीतती है, कांग्रेस चुनाव हारती है बीजेपी चुनाव जीतती है। कांग्रेस ब्राह्मणों का दल, बीजेपी ब्राह्मणों का दल। तो एक ब्राह्मण की पार्टी चुनाव हारती है तो दूसरी ब्राह्मण की पार्टी चुनाव जीतती है, दूसरी ब्राह्मण की पार्टी चुनाव हारती है तो पहली ब्राह्मण की पार्टी चुनाव जीतती है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह है कि ए नाम का ब्राह्मण जाता है तो बी नाम का ब्राह्मण कुर्सी पे आके बैठ जाता है, ए नाम का ब्राह्मण जाता है तो बी नाम का ब्राह्मण आता है, बी नाम का ब्राह्मण जाता है ए नाम का ब्राह्मण आता है। काशीराम जी कहा करते थे एक सापनाथ है एक नागनाथ है, नागनाथ के पास जहर है, सापनाथ के पास भी जहर है। अगर साप अगर अगर बीजेपी चुनकर आती है तो उसके पास हमारे लिए जहर, अगर कांग्रेस चुनकर आती है तो ये नागनाथ है, इसके पास भी जहर है हमारे लिए। तो इसका मतलब है हम जहर ग्रहण करते हैं तो हमारा मरना तय, नागनाथ आता है तो मरना तय है, सापनाथ आता है तो मरना तय है। इसका मतलब ये है कि एक ब्राह्मण जाता है तो दूसरा ब्राह्मण आता है, दूसरा ब्राह्मण जाता है पहला ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण राज स्टेबल हो गया है, स्थिर हो गया है, पक्का हो गया है। बाबा साहब अंबेडकर संविधान में कहते हैं कि चुनाव में परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन होना चाहिए। संविधान में लिखा है चुनाव होना चाहिए, हो रहा है चुनाव में, संविधान में लिखा है परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन भी हो रहा है। कांग्रेस की जगह बीजेपी आ रही है, बीजेपी की जगह कांग्रेस आ रही है, परिवर्तन भी हो रहा है, मगर ब्राह्मण में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ए नाम का ब्राह्मण जाता है तो बी नाम का ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण राज देश में कायम हो गया है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपकी कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अरे लोकतंत्र है भाई, तो लोकतंत्र है तो लोगों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? लोगों की लोकतंत्र है
तो लोगों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया है। पुलिस स्टेशन में अगर आप एफआईआर दाखिल करने के लिए जाओ, अगर हमारा कोई आदमी राम पूजन राम, राम भजन राम, राम कीर्त राम, राम सिमरन राम, राम प्रसाद राम, राम ऐसे ही हमारा राम आगे राम पीछे राम, साला हमारा आदमी को पीछे बीच में सैंडविच बना दिया। राम पलटन राम, यानी आगे राम पीछे राम बीच में पलटन हो गया ना हमारा, उन्होंने सैंडविच नहीं बनाया। तो ये जो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको समझ में आ जाए इसलिए समझा रहा हूं, तो ये कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, दोनों के बीच में हमारा सैंडविच बना दिया गया है। हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है अगर राम पलटन राम, राम पूजन राम, राम सिमरन राम, और ये जो राम राम करने वाले जो हमारे लोग हैं एससी एसटी ओबीसी वाले, क्योंकि पंडित कभी राम राम नहीं करता, दो पंडित जब आपस में मिलते हैं तो नमस्कार पांडे जी, तो तिवारी जी कहते नमस्कार नमस्कार तिवारी जी, समझ रहे। ब्राह्मण कभी राम का जयकारा नहीं लगाता है, तो हम गधे लोग हैं, हमारे पीछे लगा दिया गया है। अगर गुरु राम पुलिस चौकी में गया तो पुलिस चौकी का इंचार्ज पूछता है क्या नाम है, गुरु राम, कांस्टेबल को बुलाता है दो डंडे मार, गुरु राम के पिछवाड़े के दो डंडे मार, दो डंडे मार, दो डंडे मारने के बाद फिर उसको पूछो तो कांस्टेबल को बोलता है पूछो हाँ क्या काम है, काफी एफआईआर का, अच्छा और दो डंडे मार। एक पुलिस चौकी में जो ब्राह्मण राज भारत में स्थापित कर दिया गया है वहां एफआईआर ये स्थिति है। और उनके जगह अगर मान लो कोई मुसलमान का आदमी जाता है तो फिर तो पुलिस इंस्पेक्टर उसको पहले डालता है अंदर, डालता है इसको पहले अंदर डालो, तो कांस्टेबल पूछता है कौन सी धारा में डालू साहब, क्योंकि धारा लगाना पड़ेगा साला, बगैर धारा के थोड़ी अंदर डाल सकते, कोई धारा लगाना पड़ेगा ना, कहा कि सरकारी काम में हस्तक्षेप डाल रहे, साला जब जमानत होगा तब देखा जाएगा, जमानत होगा तभी ना बाहर जाएगा, जमानत के बगैर थोड़ी जाएगा। तो देश में ये हालत है और इस हालत की वजह ये है कि देश में ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया गया है। ये हमारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए ये बात आप लोगों को बता रहा कि ये जो ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया गया है इस ब्राह्मण राज को हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों ने मुझे पूछा विश्राम जी देश का प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है, ब्राह्मण तो प्रधानमंत्री नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं ब्राह्मण राज है, हमें तो समझ में नहीं आता आप क्या कह रहे हैं। मैं अभी समझा देता हूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको ना समझ में नहीं आ रहा है, वामन मेश्राम को तो समझ में आ रहा है, अभी समझा देता हूं। ये जो नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का आदमी प्रधानमंत्री है ये ब्राह्मणों ने बनाया, नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण।
ये नॉमिनेटेड अंग्रेजी शब्द है, आपके समझ में नहीं आया होगा। देसी भाषा में बता, मैं किसान का बेटा हूं इसलिए मैं देसी भाषा में आपको समझाता हूं, गांव का रहने वाला हूं और उदाहरण देने के लिए कुछ शब्दों का इस तरह से प्रयोग करना होगा, इसलिए सबसे पहले मैं महिलाओं से माफी मांगता हूं। गांव में जब शादी होती है, गांव का आदमी शादी करके अपनी बीवी जो है लाता है, तो वो अपने बीवी का परिचय करवाता है कि ये मेरी बीवी जो है ये शादीशुदा शादी करके लाए। तो जब वो कहता है कि ये शादीशुदा बीवी है, तो दूसरा आदमी पूछता है ये कौन है, ऐसे रखा हुआ है, ये तो शादीशुदा है और ये ऐसे रखा हुआ, नरेंद्र मोदी ऐसा ही ब्राह्मण का रखा हुआ। नॉमिनेटेड समझ में नहीं आया, उसका देसी अर्थ बताया सबको समझ में आया। जो अंग्रेजी शब्द है ये बाबा साहब अंबेडकर ने यूज किया नॉमिनेट है, ये शब्द हमारे लोगों को समझ में नहीं आया, तो मुझे मजबूर होकर देसी उदाहरण देकर आपको समझाना पड़ा। ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री, रखा हुआ समझते हो नहीं समझते हो, ये ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो ये रखा हुआ प्रधानमंत्री है, इसके सबूत के तौर पर एक दो उदाहरण देता हूं ताकि आपको पता चले। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना, उसने पहला फैसला किया, क्या पहला फैसला किया, पहला फैसला किया कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हो, कुत्तों की होगी, गधे घोड़ों की होगी, जानवरों की होगी, जंगली जानवरों की भी होगी, हिजड़ों की भी होगी, मगर पिछड़ों की नहीं होगी। हिजड़ों की गिनती शुरू हो चुकी, पिछड़ों की गिनती अभी होने की कोई संभावना नहीं। तो इसलिए ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा पहला फैसला ओबीसी के विरोध में, ओबीसी का ही प्रधानमंत्री ओबीसी के विरोध में फैसला, दूसरा फैसला 314 बच्चे पिछड़े वर्ग के आए आईपीएस आईआरएस अधिकारी बने, लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मसूरी में ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग पूरा हुआ, पूरा होने के बाद इनको पोस्टिंग देने के लिए प्रधानमंत्री के पास फाइल गई, क्योंकि कार्मिक मंत्रालय रंग दिवस, उसके पास पोस्टिंग के लिए फाइल गई, फाइल जाने के बाद उसने सारी की सारी फाइल रद्द कर दी, 314 बच्चे में से एक भी बच्चे को पोस्टिंग नहीं दी। दूसरा सबूत ब्राह्मणों का रखा हुआ, तीसरा सबूत नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग का जो कमीशन था रद्द कर दिया, और ये कह रहा है कि मैंने पार्लियामेंट में इसको संवैधानिक दर्जा दिया। अरे शेड्यूल कास्ट कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, शेड्यूल ट्राइब कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इनको कोई कुत्ता नहीं पूछता, एससी और एसटी के कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया था, इनको कोई कुत्ता नहीं पूछता, जब पहले के कमीशन को कोई कुत्ता नहीं पूछता, तो अब ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया कमीशन को, इनको कौन कुत्ता पूछेगा, और मान लो दो चार कुत्ते ने पूछ लिया, जब थोड़ी देर के लिए मान लेते दो चार कुत्ते ने पूछ लिया, तो कुत्ते को वोट का अधिकार थोड़ी होता है। आपने कभी सुना कि कुत्ता 18 साल जीवित रहता है, है? कुत्ता 6-7 साल बहुत हो गया, 6-7 साल में बहुत हो गया, 12 साल तो खाता पीता अच्छे घर का कुत्ता होगा।
तब 12 साल जीव रहता होगा। गरीब गुरबे के घर में जो कुत्ता रहता है या गली मोहल्ले में घूमने वाला जो चड़ूकास कुत्ता रहता है वो थोड़ी ना, कई प्रकार के कुत्ते हैं गली मोहल्ले में घूमने वाले, चड़ूकास कुत्ता है, चलू टाइप कुत्ता है, ओबीसी कुत्ता है, कुत्ते के भी तो बहुत सारे प्रकार है। मैं 18 साल की बात क्यों कर रहा हूं, संविधान में 18 साल के आदमी को वोट का अधिकार, 18 साल सारा कुत्ता जीवित रहेगा ही नहीं, वोट का अधिकार कैसे मिले। तो नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया कह रहा है, अरे एससी एसटी कमीशन को कोई कुत्ता नहीं पूछता है, ओबीसी के कमीशन को कौन पूछने वाला है, क्योंकि वहां भी चेयरमैन तुम्हारा नॉमिनेटेड होगा। नॉमिनेटेड का मतलब तो समझ में आ गया ना आपको, जैसे नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड वैसे चेयरमैन भी कमीशन का नॉमिनेटेड हो जाएगा, रखा हुआ हो जाएगा। चौथा निर्णय लिया, अभी 4.5 साल हो गए नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के विकास के लिए नया पैसा बजट में नहीं दिया। बजट में पैसा देंगे तो विकास होगा ना, ओबीसी के लिए बजट में पैसा देगा ओबीसी का विकास होगा, एक नया पैसा नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के लिए बजट में नहीं दिया। जब नया पैसा बजट में ओबीसी के लिए नहीं दिया तो उसका विकास कैसे होगा। नरेंद्र मोदी पहले घंटे घंटे भाषण करता, अभी 15 अगस्त को 1.5 घंटा भाषण, उसके भाषण में विकास हो गया, घंटे का भाषण 1.5 घंटे का हो गया, उसके भाषण का विकास हो गया, मगर पिछड़े वर्ग का विकास नहीं हुआ। वो वैसे के वैसे मगर पैसे से विकास तो होता नहीं है, भाषण में विकास हो रहा है और ओबीसी में पिछड़े वर्ग में विकास नहीं हो रहा है। ओबीसी के बच्चे को वजीफा स्कॉलरशिप दी जाती थी, 4.5 साल हो गए ओबीसी के करीब के बच्चे को महाविद्यालय में पढ़ने के लिए एक नया पैसा वजीफा स्कॉलरशिप नहीं मिला। ओबीसी का ही प्रधानमंत्री और ओबीसी के ही विरोध में फैसले कर रहा है, स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। ओबीसी का ही प्रधानमंत्री ओबीसी के ही विरोध में फैसला कर ले, स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। फिर भी प्रधानमंत्री फैसले कर रहा है, ऐसे हमें बताया जा रहा है, स्वाभाविक नहीं है। इसलिए इस बात को समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। एक कधे से कधा आदमी ढूंढ लो, ऐसा होता नहीं है मगर ढूंढ लेते, उदाहरण में तो कुछ भी होता है। गधे से गधा, अरे आपके इलाके में गधा शब्द नहीं चलता है, बुड़बक से बुड़बक, बुड़बक से बुड़बक आदमी ढूंढ लो। अब ऐसा होता नहीं है मगर बुड़बक से बुड़बक आदमी अगर ढूंढ लिया जाए और बुड़बक के हाथ में कुल्हाड़ी दे दिया जाए और बुड़बक को कहा जाए कि इस हाथ में तुम्हारे हमने कुल्हाड़ी दिया है, बाया बैल अपने हाथ से काट लो, तो बुड़बक आदमी क्या बोलेगा कि हम बुड़बक जरूर है, ये तो हम बुड़बक नहीं, हम बुड़बक जरूर है, इतना गुड़बक नहीं है कि अपने ही हाथों से अपना पैर काट ले, इतना गुड़बक नहीं है। तो क्या नरेंद्र मोदी इतना गुड़बक है? है, नहीं है, वो इतना गुड़बक नहीं है कि ओबीसी का ही प्रधानमंत्री ओबीसी के ही विरोध में फैसले कर रहा है, इतना गुड़बक नहीं है। कौन फैसले कर रहा है, फिर कौन फैसले कर रहा है? निश्चित रूप से कोई थर्ड पार्टी है जो फैसले कर रही है, उस थर्ड पार्टी का नाम पंडित जी है। इसका मतलब ये है ये पंडित लोगों का, ब्राह्मण लोगों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। हो गया साबित,
सबूत के साथ सारी कर रहे, बगैर सबूत से कोई बात नहीं कहता। दो हजार चार में बीजेपी चुनाव हार गई थी, कांग्रेस चुनाव जीती, तो कांग्रेस ने मनमोहन सिंह नाम का जो सरदार था उसको प्रधानमंत्री, वो ब्राह्मण नहीं था, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था, मगर फैसले लेने का अधिकार मनमोहन सिंह के पास नहीं था। मनमोहन सिंह ने 67 जीओएम बनाया। जीओएम का मतलब है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, कमिटी। तो 67 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कमिटी के अंदर 63 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन अकेले प्रणब मुखर्जी थे, और प्रणब मुखर्जी सारे पॉलिटिकल डिसीजन लेते थे, सारे पॉलिटिकल डिसीजन अकेले प्रणब मुखर्जी लेते थे, और उस निर्णय पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ठप्पा लगाते थे। इसका मतलब है मनमोहन सिंह भी ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर था। अब नॉमिनेटेड था तो समझ में आ गया ना आप लोगों को, अब तो उदाहरण नहीं बताना पड़ेगा ना, अब समझ में आ गया। तो इस तरह से ये ब्राह्मणों ने ये सारा पावर जो है अपने नियंत्रण में लेके रखा हुआ है, और ब्राह्मण राज इस तरीके से कानून और संविधान के विरोध में चलाने का काम कर रहे हैं। जब मैं ये बातें सारे देशभर में बोल रहा हूं और सोशल मीडिया में ये सारी बातें सारे दुनिया भर में देखी जा रही हैं, सुनी जा रही है, अरे संकेत ये सोशल मीडिया में कितने देश के लोग देख रहे हैं, 34 देश के लोग देख रहे हैं। भारत के जितने स्टेट है सारे स्टेट में देखा जा रहा है, और भारत के बाहर 34 देशों में देखा जा रहा है। तो मेरे बहुत सारे मित्र लोग हैं, उन्होंने ये सुना देखा, और सुना देखने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मिश्राम जी एक बात आपको जरूर मानना। तो मैंने उनको कहा अरे ये क्यों कह रहे हो भाई, दो मानेंगे आप, ये क्यों कह रहे हो, दो मानेंगे, मानने लायक हो तो दो साले चार मानेंगे, मानने लायक हो तो जरूर मानेंगे, और ना मानने लायक हो तो कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। आप बताओ तो क्या मानने वाली बात। कहा कि आपको मानना होगा कि देश में लोकतंत्र है। हमने उनको कहा हम तो नहीं मानते भाई, मगर तुम जरूर मानते हो तो तुम्हारे मानने का सबूत जरूर बताया जाए। तुम मानते हो ना, हम तो नहीं मानते, इसलिए तुम मानते हो देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र होने का सबूत बताओ। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में संविधान है। हमने कहा है, संविधान में 5 साल में एक बार चुनाव होना चाहिए ऐसा लिखा है। कहा कि ये भी हम मानते हैं, आगे कहो। कहा कि 5 साल में चुनाव होना चाहिए तो चुनाव होता, क्या आप इस बात को नहीं मानते। कहा हम ये भी मानते हैं, मगर मेरा सवाल ये है कि आप कहना क्या चाहते, क्या आप चुनाव माने लोकतंत्र कहना चाहते हो, क्या आप चुनाव माने लोकतंत्र कहना चाहते हो। यदि चुनाव माने लोकतंत्र कहना चाहते हो तो मैं चुनाव माने लोकतंत्र को मानने के लिए राजी नहीं हूं। दुनिया में कोई सूझबूझ रखने वाला आदमी चुनाव माने लोकतंत्र मानने के लिए राजी नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो लोकतंत्र दुनिया में आया है, राजाशाही का अंत हुआ और लोकतंत्र आया। इसका मतलब है
कि लोकतंत्र राजाशाही के मृत्यु छैया पर खड़ा है। लोकतंत्र राजाशाही के मृत्यु छैया पर खड़ा है, इसलिए हमें लोकतंत्र समझने के लिए राजतंत्र समझना होगा। राजतंत्र में क्या होता है? राजा के नियंत्रण में कानून बनाने का अधिकार था, वो अपने राज्य के लिए अकेला कानून बनाता था। मुगले आजम फिल्म आपने देखा होगा, उसमें अकबर का रोल करने वाला पृथ्वीराज कपूर कहता है, अकबर के मुंह से निकला हुआ हर अल्फाज इंसाफ है। हर राजा के मुंह से निकला हुआ हर अल्फाज इंसाफ ही माना जाता है। केवल अकबर नहीं, जो भी राजा होगा, इसलिए कि राजा को अपने राज्य का कानून बनाने का अधिकार होता था और अपने राज्य के लिए अकेला कानून बनाता था। नंबर दो, बनाए हुए कानून पर खुद अमल करता था या अपने हेंचमैन हारी हारी करने वाले लोगों से अमल करवाता था। ये अधिकार भी उसी के नियंत्रण में था। तीसरा अधिकार, राजा अपने राज्य का चीफ जस्टिस होता था, खुद ही चीफ जस्टिस होता था। फिर चौथा अधिकार, राजा के राज्य में खबरें लिखने का और इतिहास लिखने का सारा अधिकार राजा के नियंत्रण में होता था। ये चार प्रमुख अधिकार राजतंत्र में अकेले राजा के नियंत्रण में होते थे, और इसलिए राजा का जो राज था उसका नाम था एकाधिकार। राजा का जो राज था उसको कहा जाता था एकाधिकार। जब ये राजाशाही खत्म हुई, लोकतंत्र आया। लोकतंत्र में क्या हुआ? जो राजा के पास कानून बनाने का अधिकार था वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, विधायक और सांसदों को कानून बनाने का अधिकार मिला, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते। हो गया पहली बात। इसका मतलब है राजा के पास जो कानून बनाने का अधिकार था, अब लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि को अधिकार मिला। राजा के पास कानून पर अमल करने का अधिकार होता था। लोकतंत्र में अगर हम भारत का उदाहरण ले ले, भारत के संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा होती है, और इस परीक्षा में आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी को परीक्षा में मेरिट में जो पास करता है, वो पास किया हुआ आदमी आईएएस आईपीएस आईआरएस बनता है। फिर उसको 2 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग में उसको कहा जाता है कि यदि मंत्री कानून और संविधान के विरोध में जाकर तुम्हें अमल करने के लिए कहे तो मंत्री की बात मानना तुम्हारे ऊपर बंधनकारक नहीं। आईपीएस आईआरएस अधिकारी को ट्रेनिंग दिया जाता है कि यदि मंत्री कानून और संविधान के विरोध में तुम्हें काम करने के लिए अमल करने के लिए कहा जाता है, मंत्री की बात मानना तुम्हें बंधन कारक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ, कानून का राज होता है। कानून पर अमल करने के लिए आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी कार्यपालिका में रखे गए हैं, तो राजा के पास कानून पर अमल करने का जो अधिकार होता था वो अधिकार आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारियों को बहाल कर दिया। तीसरा अधिकार, राजा के पास अपने राज्य का चीफ जस्टिस होने का अधिकार था। अब लोकतंत्र में क्या होता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन नहीं होते हैं।
और बहुत बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जनता के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरोध में फैसले देते हैं। राजाशाही में राजा ही चीफ जस्टिस होता था तो जुडिशियरी उनके नियंत्रण में होती थी, लोकतंत्र में जुडिशियरी सरकार के नियंत्रण में नहीं होती है। तीसरा अधिकार, चौथा कानून, चौथा खबरें लिखने का, इतिहास लिखने का अधिकार राजा के पास अपने राज्य में होता था। अब आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत खबरें और इतिहास लिखने का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया और लोगों को यह अधिकार दिया गया। और मीडिया हो या इतिहास का लेखन हो, सरकार के नियंत्रण से मुक्त है। हो गया, चार अधिकार चार लोगों को बांट कर दिए गए। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र सत्ता के विभाजन के सिद्धांत पर खड़ा है। राजाशाही में एक अधिकार होता था, लोकतंत्र में सत्ता का विभाजन है। सत्ता के विभाजन पर लोकतंत्र खड़ा है, समझ लो। आपको लोकतंत्र समझा रहा हूं, कोई समझाने वाला नहीं आपको, इसलिए आप लोगों को केवल इतना बताया गया, चुनाव माने लोकतंत्र, चुनाव माने लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र क्या है बता रहा हूं। लोक राजाशाही में एक जीवन प्रणाली होती थी, लोकतंत्र में दूसरी जीवन प्रणाली है, अलग है। और ये सत्ता के विभाजन पर खड़ा है, एकाधिकार के विभाजन पर खड़ा है लोकतंत्र। क्या हुआ भारत में, चलो उसको भी सबूत के तौर पर पेश करता हूं ताकि आपको पता चले। 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ, ब्राह्मणों के पार्टी के 375 सांसद चुनकर गए, हो गया ब्राह्मणों का कब्जे। आउट ऑफ 543 375 लोकसभा के सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा हो गया। 366 सीटों के आधार पर पार्लियामेंट में कोई भी कानून बनाया जा सकता है, उनके पास 9 सीटें ज्यादा। 366 में कानून बनाया जा सकता है, उनके पास 375 है, आउट ऑफ 543। नंबर दो, कार्यपालिका IPS IRS अधिकारी। मैं 2016 में शरद जी के घर में गया था, शरद यादव जी के घर में, उन्होंने मुझे कागज दिया और कहा एक कागज का क्या है, कहा कि मंत्री को सवाल पूछा तो मंत्री ने लिखित जवाब दिया। कहा क्या है इसमें, देख लो पढ़े लिखे हो, देखा तो उसमें 79.2% प्रथम श्रेणी के अधिकारी ब्राह्मण और 10 समूचे जाति के लोग, मगर ठाकुरों के आधा परसेंट से ज्यादा नहीं, वैश्यों के आधा परसेंट 1% से ज्यादा नहीं। यानी ब्राह्मणों ने ST OBC के ही अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं किया, ठाकुर राजपूतों के भी अधिकारों पर अतिक्रमण किया, वैश्यों के भी अधिकारों पर अतिक्रमण किया। अगर ठाकुर को, राजपूत को, क्षत्रिय को रिजर्वेशन की मांग करते हैं तो मैं पहला आदमी रहूंगा कि ठाकुरों को, राजपूतों को भी उनके संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया जाए। जितनी 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 जिनकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। हम तो सिद्धांत के समर्थक है, वैश्यों को भी होनी चाहिए। आज राजपूत लोग ब्राह्मणों के पिछलग्गू बने हुए हैं, वैश्य लोग ब्राह्मणों के पिछलग्गू बने हुए लोग हैं। मैं उनको सलाह देना चाहता हूं मुफ्त का, क्योंकि पैसा चार्ज नहीं करता है, मगर सलाह देता हूं कि पिछलग्गू बनने से तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं है। ब्राह्मणों का पिछलग्गू बनोगे, तुम लोगों को मांग करनी चाहिए
कि हमारी संख्या के अनुपात में हमारे सांसद होने चाहिए, आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी होने चाहिए, न्यायाधीश होने चाहिए और मीडिया में हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हम लोग उनका समर्थन करें। साथियों, आपको भी बोलते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि हम जब 85 का नारा लगाते हैं ना तो 15 को अलग करते हैं, मगर मैं ऐसा मानता हूं कि बोलने के लिए केवल ब्राह्मणों को 3.5% की बोलते रहो, 85 की बोलने की जरूरत नहीं, 3.5% की बोलते, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा इतिहासकार राजवाड़े नाम का ब्राह्मण, उसने लिख कर रखा, बहुत खास बात लिख कर रखा, उसने लिखा ब्राह्मण ही वास्तविक शासक वर्ग होता है, ब्राह्मण ही वास्तविक शासक वर्ग होता है, क्षत्रिय और वैश्य को ब्राह्मणों को शासक वर्ग बनाने में केवल सहायता देते हैं, ब्राह्मण ही वास्तविक शासक वर्ग होता है, क्षत्रिय और वैश्य को ब्राह्मणों को शासक वर्ग बनाने में केवल सहायता देते हैं। आजाद भारत में ब्राह्मणों को क्षत्रिय और वैश्य शासक वर्ग बनाने में सहायता देने के काम कर रहे हैं, इसका मतलब है क्षत्रिय और वैश्य केवल पिछलग्गु ब्राह्मणों के बने हुए हैं, इससे उनका भला नहीं होगा। साथियों, दूसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो जुडिशियरी में ये तो कार्यपालिका हो गई आईएएस, और तीसरा पिलर है लोकतंत्र का जुडिशियरी, उसमें 97% ब्राह्मण आज के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियरी में काबिज है। दीपक मिश्रा देश का चीफ जस्टिस, कई राज्यों के चीफ जस्टिस ब्राह्मण, जुडिशियरी पर कब्जा। चौथा पिलर है मीडिया, दिल्ली में योगेंद्र यादव ने सर्वे किया, 97% पत्रकार ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं, मगर जो ऊंचे जाति के हैं वो तो केवल पिछलग्गु हैं, ब्राह्मण ही वास्तविक कर्ता धरता है, इसलिए अगर ब्राह्मण ही कर्ता धरता है तो इस बात को हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि जुडिशियरी पर भी ब्राह्मणों का ही कब्जा है। चौथा पिलर है मीडिया, मीडिया में चार प्रकार का मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्राह्मण बनिया का कब्जा, प्रिंट मीडिया में ब्राह्मण बनिया का कब्जा, ट्रेडिशनल मीडिया में मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, बाजा महाराज, राजा महाराज, एनी नजर महाराज, बचा पुचा महाराज, और ये सारा का सारा कब्जा। चौथा मीडिया है लोकल मीडिया, जैसे मैं माइक पर बोल रहा भाषा का उपयोग कर रहा, इस देश में 7,500 बोलियां बोली जाती है, बोलियां, मगर बोली की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, उसको शासन में मान्यता है। हमारी बोली को 7,500 मूल निवासी लोग बोली बोलते हैं, उसके बोली को शासन में कोई मान्यता नहीं है, इस पर भी उनका कब्जा है। इसका मतलब है मीडिया के चारों मीडिया पर उनका कब्जा है, और इस तरह से लोकतंत्र के जो चार पिलर है, चारों पिलर पर ब्राह्मण का कब्जा है, विधायिका पर ब्राह्मण का कब्जा, कार्यपालिका पर ब्राह्मण का कब्जा, न्यायपालिका पर ब्राह्मण का कब्जा, मीडिया पर ब्राह्मण का कब्जा। इसका मतलब है सारे लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मण का कब्जा हो गया है, वो नहीं गया, कर दिया गया है कानून संविधान के विरोध में जाकर। और अगर चारों पिलर पर ब्राह्मण का कब्जा हो गया है तो ये लोकतंत्र का है, चुनाव माने लोकतंत्र थोड़ी होता है, कहा लोकतंत्र, ये तो ब्राह्मण तंत्र है,
ये सारा ब्राह्मण तंत्र उन्होंने लागू कर दिया। पहले ब्राह्मण राज लागू किया और बाद में ब्राह्मण राज के लोगों ने लोकतंत्र को भी खत्म कर दिया और देश में ब्राह्मण तंत्र लागू कर दिया। इस वजह से क्या हो रहा है, शेड्यूलकास्ट के लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ रही है। जिन समस्याओं का समाधान हो गया था वो समस्याएं नए चीजें से पैदा हो रही। रिजर्वेशन की समस्या का समाधान हो गया था, रिजर्वेशन खत्म करके नए सिरे पैदा हो गए। जैसे एसटी ओबीसी के जीओएस स्कॉलरशिप की समस्या का समाधान हो गया था, नए सिरे से फिर समस्या पैदा हो गई। किसानों की समस्याओं का समाधान हो गया था, किसानों की आत्महत्या शुरू हो गई। ऐसे हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण राज और ब्राह्मण तंत्र ने हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि समस्याओं का संग्रह किया, समस्याओं का संग्रह किया, इकट्ठा किया और समस्याओं का संचय संचय और संचय होता है। इसलिए देश में शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे हैं, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग लड़ रहे हैं, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे हैं, नॉमिनिक ट्राइब के लोग लड़ रहे हैं, एमपीसी के लोग लड़ रहे हैं, ओबीसी के लोग लड़ रहे हैं, किसान लोग लड़ रहे हैं, मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैन लिंगायत लड़ रहे हैं, सभी के सभी लड़ रहे हैं। सभी के सभी क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि सभी के ऊपर अन्याय हो रहा है, सभी के ऊपर अन्याय हो रहा है, इसलिए सभी के सभी लोग लड़ रहे हैं। जो लड़ रहे हैं उनकी संख्या 85% है और इनके ऊपर अन्याय करने वाले की संख्या 3.5% है। 3.5% ब्राह्मण अन्याय कर नहीं सकते, अत्याचार कर नहीं सकते, ना इंसाफी कर नहीं सकते, कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण 14 अगस्त 1947 तक भारत का शासक वर्ग नहीं था, अंग्रेज 14 अगस्त 1947 तक भारत का शासक वर्ग था, 15 अगस्त 1947 से ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग हो गया है, ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग हो गया। संस्था में परिवर्तन होता है, शासक वर्ग में परिवर्तन नहीं होता। सत्ता में परिवर्तन होता है, शासक वर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है, उसके नियंत्रण में मिलिट्री है, उसके नियंत्रण में पैरा मिलिट्री है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, एसआरपी है, सीआरपी है, पुलिस है, ये सारा फोर्स उसके नियंत्रण में है। ब्राह्मण 3.5% हमारे ऊपर अत्याचार कर नहीं सकता, पुलिस के द्वारा करवाता है, पुलिस के द्वारा करवाता है, क्योंकि उसके नियंत्रण में पुलिस फोर्स है, उसके द्वारा नियंत्रण करवा रहा, अत्याचार करवा रहा है। इसलिए ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है। साथियों, और यदि इसमें आप परिवर्तन करना चाहते हो, क्योंकि तो परिवर्तन यहां पर इसीलिए निकालेंगे, यदि इसमें परिवर्तन करना चाहते हो तो 85% लोग लड़ रहे हैं, 85% जिनकी संख्या है वो लोग लड़ रहे हैं, जिनकी संख्या 85% है तो अन्याय नहीं होना चाहिए था, अत्याचार नहीं होना चाहिए था, ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए थी, मगर हो रहा है। क्यों हो रहा है, शेड्यूल कास्ट अलग लड़ रहा है, शेड्यूल ट्राइब अलग लड़ रहा है, नॉमिनिक ट्राइब अलग लड़ रहा है, एमपीसी अलग लड़ रहा है, ओबीसी अलग लड़ रहा है, माइनॉरिटी अलग लड़ रहा है, मुसलमान अलग लड़ रहा है, क्रिश्चियन अलग लड़ रहा है, लिंगायत अलग लड़ रहा है, बुद्धिस्ट अलग लड़ रहा है, जैन अलग लड़ रहा है, सिख अलग लड़ रहा है,
सभी लोग अलग 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 लड़ रहे हैं। अलग अलग लड़ने की वजह से ब्राह्मण को पिटाई हमारी करना आसान हो गया है। वो शेड्यूल कास्ट को अलग करके पीटता है, शेड्यूल ट्राइब को अलग करके पीटता है, जब मुसलमान को पीटता है तो क्रिश्चियन को छोड़ देता है, जब क्रिश्चियन को पीटता है तो मुसलमान को छोड़ देता है, सभी माइनॉरिटी को इकट्ठा नहीं पीटता, सभी 85% को इकट्ठा नहीं पीटता है, अलग 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 करके पीटता है। और अगर आप इसी तरह से अलग अलग लड़ते रहोगे तो पिटाई आगे भी होती रहेगी। अगर आप मेरे से लिखवाना चाहते हो तो मैं स्टैंप पेपर पर लिखवा सकता हूँ कि अगर आप अलग 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 लड़ते रहोगे तो पीछे इस समय में पिटाई हुई, आगे भी आपकी पिटाई होगी। तो उपाय क्या है? उपाय है सारे 85% लोगों को इकट्ठा होना होगा, इकट्ठा होना होगा। इससे 85 इकट्ठा नहीं होगा, इकट्ठा करना होगा, इकट्ठा होना होगा। होना होगा कहने से थोड़ी होगा, करना होगा। और इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा एक प्लेटफॉर्म है, कि संगठन नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है। तो इकट्ठा करने का तरीका क्या है? तो 5000 तहसील, तहसील में आप संगठन बांग से भारत मुक्ति मोर्चा के औसत संगठन के लोगों को बोल दिया गया कि आप माइक्रो लेवल के संगठन ढूंढो, स्मॉल लेवल के संगठन ढूंढो, मध्यम लेवल के संगठन ढूंढो, बड़े लेवल के संगठन ढूंढो। अगर मिनिमम तहसील में 50 संगठन मिले तो 5000 × 50 2,50,000 संगठन। अगर 100 संगठन इकट्ठा कर लिया तो संगठन हो जाएंगे 5,00,000, मिनिमम 2,50,000 और मैक्सिमम 5,00,000 संगठन इकट्ठा हो जाएंगे। तो इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा, परिवर्तन यात्रा के द्वारा तहसीलों में कम से कम 50 संगठन और मैक्सिमम 100 संगठन इकट्ठा करने का प्लान बनाया। कैसे इकट्ठा आएंगे? कार्यक्रम बनाया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम नहीं बन सकता। हर संगठन अपनी हर बात नहीं मनवा सकता। अगर सीख गए मुसलमान को तो मुसलमान हो जा, मुसलमान नहीं माने। मुसलमान सीखों को कहे कि तू हमारी मान ले, तू मुसलमान हो जा, तो सीख नहीं मानेगा। इसलिए क्या करना होगा? कॉमन मैक्सिमम नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। अगर हम संगठनाओं के मिनिमम मुद्दे जो है अगर इकट्ठा कर ले तो सारे मिनिमम मुद्दों पर सारे 85% लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। इसलिए हमने यहां पीछे पर्चा पढ़ लो, इस पीछे में ये मुद्दे दिए हुए, ये सारे मुद्दे शेड्यूल कास्ट के मुद्दे हैं, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के मुद्दे हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के मुद्दे हैं, शेड्यूल ट्राइब के मुद्दे हैं, नॉमिनिक ट्राइब के मुद्दे हैं, एनबीसी के मुद्दे हैं, ओबीसी के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, मजदूर के मुद्दे हैं, विद्यार्थी के मुद्दे हैं, युवा के मुद्दे हैं, मुसलमान के लिए, क्रिश्चियन के लिए, ईसाई के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, जैन के लिए, सभी के मुद्दे यहाँ शामिल कर लिए गए। ये कॉमन मिनिमम मुद्दे हैं। और लोगों को, जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, उनको पूछो तुम लड़ाई लड़ रहे हो? बोले हाँ। कितने साल से लड़ रहे हो? 10 साल से। तुम कितने लड़ रहे हो? 15 साल से। तुम कितने लड़ रहे हो? 20 साल से। तुम्हारी एक आध बात मान ली गई? एक भी नहीं मानी गई। क्यों नहीं मानी गई? नहीं इसके बारे में सोचा नहीं,
अरे अब तो सोचने का समय है, इतने साल से नहीं सोचा तो अब तो सोचो, क्यों नहीं मनवाई गई, क्यों नहीं मांगी आपकी बात को? इसलिए नहीं मांगी गई क्योंकि आपकी ताकत छोटी है। छोटी छोटी ताकत, अगर आप छोटी ताकत से सरकार को झुकाना चाहते हो, आपकी कोई बात मानने वाला नहीं है। यदि छोटे छोटे संगठन, 5 लाख संगठन इकट्ठा करने का संकल्प किया गया है, मैंने महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध का एक उदाहरण आपको बताया। मैं वाशिम जिले में गया, वहां के कार्यकर्ता को पूछा कि बहुत ज्यादा लोग आ गए कार्यक्रम में, क्या बात? कहा कि 46 संगठन, 46 ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा किया, 46 ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है यहाँ हॉल में बैठे हुए हैं। ये हॉल में बैठने के लिए जगह इसलिए नहीं मिल रही है, इससे 3-4 गुना बड़ा हॉल है। तो ऐसा हो सकता है, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये काम मामसेट करेगा, हो सकता है। क्यों? मामसेट 539 जिलों में काम करने वाला संगठन है, 3,500 तहसीलों में काम करने वाला संगठन है, 22,000 ब्लॉक में संगठन में काम करने वाला संगठन है, और 1,50,000 गांव में काम करने वाला संगठन है। मामसेट इसके लिए पहल करेगा तो जो छोटे छोटे संगठन है उनको लगेगा कि इतना बड़ा संगठन अपने साथ में लेकर चलना चाहता है, छोटे छोटे संगठन को भी साथ में लेकर चलना चाहता है, तो लोगों का हौसला बढ़ेगा। तो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों को पहल करना चाहिए, अहंकार छोड़ देना चाहिए कि हमसे बहुत छोटे संगठन के लोग हैं। रहने, एक तहसील में छोटे हो सकते हैं, देश में छोटे नहीं है। देश में 5 लाख संगठन बन जाएंगे तो 50 लाख से लेकर 1 करोड़ कार्यकर्ता हो जाएंगे। अगर 10 मिनिमम कार्यकर्ता और मैक्सिमम 20 कार्यकर्ता हो जाएंगे तो मिनिमम 50 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ कार्यकर्ता हो जाएंगे। और 1 करोड़ कार्यकर्ता अगर हो गए, 1 करोड़ लोगों के एक परिवार का 5 लोग होता है तो 5 करोड़ लोग आंदोलन के साथ जुड़ जाएंगे। और 5 करोड़ लोग अगर 2-4-5 साल, जैसे हमने 2024 तक का एजेंडा फिक्स किया है, 2018 में परिवर्तन यात्रा शुरू है, 2024 तक 6 लाख गांव में संगठन बनाया जाएगा, 5 लाख लोगों को संगठन को जोड़ा जाएगा और जोड़कर एक शक्ति का निर्माण किया जाएगा। इससे क्या होगा? अगर एक कार्यकर्ता उसका परिवार 5 लोगों का, तो होगा 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ लोगों तक प्रभाव पड़ेगा। अगर उन्होंने, आपने लोगों को, 5 लोगों को तैयार किया, तो ये 25 करोड़ लोगों तक संदेश पहुंच जाएगा और 25 करोड़ लोगों का इस देश में जन आंदोलन निर्माण हो जाएगा। अगर 25 करोड़ लोगों का जन आंदोलन निर्माण हो गया तो साथियों, हम लोगों को ब्राह्मणवादी लोगों ने जो गुलाम बनाया है, हम लोग आजाद हो सकते हैं। और अगर हम आजाद हो गए तो फिर हमारे आजादी में हम अपने भविष्य का फैसला लेंगे। आज क्या हो रहा है? आज अटल बिहारी, अडवाणी, नरेंद्र मोदी हमारे भविष्य का फैसला कर रहे हैं। हमारे भविष्य का सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हमारे भविष्य का फैसला कर रहे हैं। जब हम आजाद हो जाएंगे तो हमारे भविष्य का फैसला करने का अधिकार हमारे हाथ में होगा, और जब भी ऐसे होगा तब ही हमारी समस्या का समाधान होगा, नहीं तो समस्या हमारी और समाधान अटल बिहारी। समस्या हमारी और समाधान अटल बिहारी। जो समस्या पैदा करते हैं वो समाधान नहीं किया करते। हमें अपने भविष्य का फैसला खुद लेना होगा, तब जाकर के ये परिवर्तन होगा। ऐसा करने के लिए साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने ये बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। सभी साथी